दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। आखिर वीपीएन क्या होता है, वीपीएन को कैसे यूज किया जाता है, वीपीएन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाला हूँ आपको। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप वीपीएन के बारे में जानना चाहते हैं तो। उसके पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं वीपीएन का फुल फॉर्म यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसा कि वीपीएन के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, वीपीएन यूज करने पर आप किसी भी सर्वर से किसी भी दूसरे सर्वर पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं वीपीएन के यूजेस की, तो जैसे कि अगर आपके इंडिया में, जैसे हम इंडिया में हैं, तो अगर इंडिया में कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट अगर बैन है तो आप वीपीएन के थ्रू किसी और नेटवर्क या सर्वर से कनेक्ट होकर उस एप्लीकेशन को इंडिया में ही रहकर आप यूज कर सकते हैं, उस वेबसाइट को आप इंडिया में ही रहकर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कई सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि इंडिया में अभी चल नहीं रहे हैं, वो बैन किए गए हैं, पर उन्हें कई सारे लोग ऐसे एक्सेस कर लेते हैं वीपीएन के थ्रू, जो कि दूसरे कंट्री जहाँ पर वो अभी बैन नहीं हुए हैं वहाँ के वीपीएन के थ्रू वहाँ से सर्वर कनेक्ट करके उस वेबसाइट को इंडिया में आराम से यूज कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीपीएन कैसे वर्क करता है। जैसे कि अभी मैं इंडिया में हूँ, किसी नेटवर्क या किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन मेरा कोई भी, आप मान लीजिए मैं वहाँ पर हूँ, अगर मुझे कोई भी वेबसाइट यूज़ करना है जो कि इंडिया में बैन है, तो मैं वीपीएन का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा जिससे मैं किसी और दूसरे कंट्री से कनेक्ट करूँगा, जैसे जहाँ पर वो बैन नहीं हो, चाहे मैं यूएस की बात कर लूँ चाहे किसी अदर कंट्रीज की, मैं वहाँ पर वहाँ से कनेक्ट होकर उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को आराम से अपने इंडिया में ही यूज कर सकूंगा। अगर मैं बात करूँ प्राइवेसीज की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है वीपीएन को यूज करने के लिए। अगर आप वीपीएन का यूज करते हैं तो सिर्फ आप एक एजुकेशनल पर्पस और इंटरटेनिंग पर्पस से ही यूज करिए, किसी भी दूसरे गलत कामों के लिए वीपीएन का यूज आप नहीं करिए, क्योंकि यूज करने के बाद अगर आप कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम करते हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप अपने लिए काम को करने के लिए वीपीएन का यूज आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्राइवेसी का खतरा देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।